हाय लिटिल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें प्रभु नाम की भेद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे, जो अगली वीडियो में हमने मतलब यहाँ से बोला था बनाने के लिए, आप सबने बोला था तो मैं बना रहा हूँ यहाँ का, ठीक है? तो हम इसकी वीडियो आज बना रहे हैं। ओके, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ओके, तो हम सबसे पहले पुरुषवाचक का चेक करते हैं। पुरुषवाचक क्या होता है, थोड़ा ज़ूम करके। पुरुषवाचक शब्द, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके उपयोग प्रयोग सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ओके, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। ओके, उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुष सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ओके, उत्तम पुरुषवाचक फर्स्ट पर्सन, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, तुम आदि। उदाहरण, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, यह कविता मैंने लिखी है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ओके, अब हम मध्यम पुरुषवाचक का हम देखते हैं। सेकंड पर्सन, जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे तुम, मैं, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, अपने आदि। उदाहरण में, तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर से क्यों पहुंचा, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। ओके, हो गया। अब अन्य पुरुषवाचक थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, यह, वह, उन, इनका, इन्हें, उन, उन्हें, इनसे, उनसे आदि। उदाहरण, वह मैच नहीं खेलेंगे, वह मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है आदि। जैसे इन्हें कहिए अपने घर जाए आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से एक मिनट
जिस सर्वनाम से वक्त के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया, वह लौट आया। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं। अंतर निश्चयवाचक सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति और संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित अस्पष्ट रहे उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। कोई, कुछ, किसी आदि। वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, पानी में कुछ गिर गया है। यह कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चय बोध कराने वाला अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता हो, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम वाक्य प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, पैस, जैसा, वैसा आदि। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा इसकी, उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है। अंततः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। क्यों। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। टोकरी में क्या है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। अंततः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम हम पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाला। अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, निजी, खुद आदि। ठीक है, अपने का बोध कराने वाला निजवाचक। जैसे निजी हॉस्पिटल है मेरा, ये मेरा, ये अपना खुद का है, ये मेरी पेंसिल है, तरह तरह के। आप शब्दों का प्रयोग
पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उदाहरण, आप कल दफ्तर नहीं गए थे। माध्यम पुरुष आदर सूचक, आप मेरे पिता श्री वसंत सिंह हैं। अन्य पुरुष आदर सूचक परिचय देते समय, ईश्वर भी इन्हीं का साथ देता है जो अपने मदद आप करता है। ऐसी दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। हम अगले अध्याय में सर्वनाम के कारक और उसकी रूप रचना के बारे में पढ़ेंगे और बाकी सारे कारक के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे ये चैनल स्टडी सरस्वती को सब्सक्राइब कर देना, एडुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर एंड कमेंट, आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।